बारसिवनी पुलिस टीम ने सीमा के भीतर आदिवासी क्षेत्र के वनेरा ग्राम के पास बारसिवनी पुलिस ने दो ठिकानों पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है। यह घटना बुधवार के सुबह 10 बजे वनेरा गांव में की गई। अवैध तरीके से मोहफूल की शराब तैयार करने के लिए मोहफूल सड़वा तैयार किया जा रहा था। इस तरह की गुप्त जानकारी पारशिवनी पुलिस को मिलते ही पारशिवनी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बनेरा गांव के पास छानबीन करने पर सावंगी नाले के किनारे में 100 किलो महुआ देसी शराब के लिए तैयार किया जा रहा था। उसी दरमियान पुलिस ने वहां पर छापा मारते हुए अवैध तरीके से निर्माण की जा रही मोहफूल की शराब का साहित्य जब्त कर उसे नष्ट करा। साथ ही बनेरा के पास की जंगल झाड़ियों में 200 किलो महुआ फूल जमीन के नीचे गड्ढा कर सड़वा तैयार करने का काम शुरू था। उसी दरमियान पारशिवनी पुलिस अधिकारियों ने वहां पर छापा मारते हुए वहां से 200 किलो महुआ सड़वा जब्त कर उसे भी नष्ट किया, जिसकी अनुमानित कीमत 20,000 रुपए आकी जा रही है। कुल मिलाकर इस कार्यवाही में पारशिवनी पुलिस विभाग ने 300 किलो महुआ सड़वा जब्त कर उसे नष्ट कर दिया है। इस कार्यवाही में कुल मिलाकर 30,000 रुपए का महुआ फूल सड़वा माल जब्त कर पारशिवनी पुलिस ने उसे नष्ट किया है। इस कार्यवाही में फजीद गोविंद राव मड़ावी को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए गिरफ्तार किया है। ये कार्यवाही पारशिवनी पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस हेड कांस्टेबल गंगा प्रसाद वरखेड़े, पुलिस हेड कांस्टेबल रविंद्र बर्वे, पुलिस सिपाही विजय काकड़े ने की है। घटना के आगे की जांच पारशिवनी पुलिस कर रही है। NBC न्यूज के लिए पारशिवनी से रुपेश खंडारे की रिपोर्ट।